बीते दिनों बिहार में कोरोना काल के बीच लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ छठ दिवाली जैसे कई पर्व भी जोशो खरोश के साथ मनाए गए, मगर अब बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा विद्यार्थियों पर मंडराने लगा है। एक तरफ जहां शिक्षण संस्थान खुलने से छात्रों के स्वास्थ्य पर खतरा है, तो वहीं शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य दांव पर लगे हैं। ऐसे में प्रशासन का जो रवैया सामने आ रहा है वह काफी निराश करने वाला है। मामला गया जिले के इमामगंज का है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख जिलाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्थानीय बाजार में संचालित कोचिंग संस्थान को बंद कराते हुए शिक्षक व बच्चों को जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। इससे भड़के छात्र और छात्राएं उग्र होकर सैकड़ों की संख्या में सड़क पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ घंटों सड़क जाम कर सरकार के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण आम जन को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। जाम कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि 2 माह बाद उनकी परीक्षा है, स्कूल बंद है, ऐसे में बिना पढ़ाई किए परीक्षा कैसे दे सकेंगे। हम लोग का 2 महीना बाद एग्जाम है फरवरी में, तो समझे, और हम लोग के पास डीओ साहब आए थे और वीडियो बनाओ, बोले क्या कोचिंग बंद हो जाएगी, कोई पढ़ाई नहीं होगी। सरकार और प्रशासन बिहार विधानसभा चुनाव के समय खूब खुल्लम खुल्ली सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों की संख्या में भीड़ लगाई गई थी, लेकिन आज वही सरकार स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोचिंग संस्थान बंद करवा रही है। जाम लगाने के एक कारण हम लोग का पढ़ाई बंद हो रहा है, ठीक है। हम इलेक्शन कहीं ले लेते हैं, इलेक्शन हमारे इमामगंज प्रखंड की, तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जमुना मैदान में देख लीजिए, कई नेता आए, भीड़ लाखों की संख्या में लगी, 10,000-15,000 की भीड़ लगी, उसमें कोरोना नहीं हुआ। अभी कोचिंग बंद करवा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हुआ, अब कोरोना का चर्चा चलने लगा। आज हमारे शिक्षा ग्रहण करने में बाधा डाली जा रही है और जेल भेजने तक की धमकी दी जा रही है। छात्र छात्राओं का कहना था कि हम सभी को पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करने दिया जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरह आंदोलन पर बैठे रहेंगे। इस बारे में वीडियो का कहना है कि वह सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल कोचिंग बंद कराने का निर्देश, इसके बाद भी कुछ कोचिंग संस्थान खुले रखे हुए हैं और मना करने के बाद बच्चों को आगे कर सड़क जाम करवा रहे हैं। सरकार का आदेश है कि हमें कोचिंग वगैरह बंद रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है, इसमें हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोचिंग संचालक को बंद करने के लिए कहा गया और उसी में बच्चों को उग्र कर दिया गया और उसी के तहत जो है यहाँ पे काम कर। बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश निकालने के लिए वरीय अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।